हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, होप यू आर ऑल। दोस्तों, मैं बनाने जा रही हूँ मटन कसा। छोटा बकरा जो होता है, छोटा बकरा का जो मटन होता है, इसका आज मटन कसा बनाऊंगी। तो इसीलिए देखिए, छोटी छोटी जो अनियन होता है, छोटी छोटी अनियन को छोड़ाना पड़ेगा। आज इसी अनियन से आज मटन कसा बनाऊंगी। तो पहले जो अनियन है उसका स्किन छोड़ाना पड़ेगा। देखिए, स्किन छोड़ा लिया, होल रखना चाहिए, इस तरह रहेगा। अभी मटन को देखिए, ये छोटा बकरा का मटन है। बॉइल्ड होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आज इसी से मैं मटन कसा बनाऊंगी। तो पहले मटन कसा बनाने के लिए कढ़ाई में ऑयल लेना पड़ेगा। तो मैं ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया। आप लोग कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसमें डाला होल गरम मसाला, गरम मसाला थोड़ा सा गरम होने के बाद उसमें छोटी छोटी काटी हुई प्याज को डाल दूंगी। उसके बाद ये जो अनियन छोड़ा के रखी थी उसको भी डाल दूंगी। हरा मिर्च डाल दूंगी। अनियन थोड़ा सा कच्चा रहेगा, उसी टाइम मैं डालूंगी हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून और रेड मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। ये अनियन को ज़्यादा मैं फ्राई नहीं करूँगी, फ्राई करने से उसका टेस्ट अलग हो जाएगा, इसीलिए कच्चा रहना चाहिए। देखिए, मैं जैसे रखी हूँ उस तरह बनाइए। उसका बाद मटन को डाल दूँगी। तो मटन डालने से पहले मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी 4 to 5 टेबल स्पून। मसाला थोड़ा सा पकने के बाद ही मटन को डाल दूँगी। इस मटन को बॉइल्ड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मटन डालने के बाद नमक ऐड करूँगी स्वाद अनुसार। उसके बाद देखिए, गरम मसाला भी ऐड कर दूंगी। वन टीस्पून कवर करने का बाद फिर से इसको थोड़ा सा स्टर करना है। उसका बाद पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ये मटन जल्दी जल्दी बॉइल्ड हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो पानी, मैं गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। आप लोग ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हैं। गर्म पानी ऐड करने के बाद कवर कर दूंगी पानी सूखने तक। तब तक मटन गल जाएगा। देखिए, मटन तैयार हो गया। अभी साफ करना है। और देखिए, अनियन को भी दिखाई दे रहा है, छोटी छोटी अनियन जो है वो बाइट में बहुत ही अच्छा लगता है मटन के साथ। तो मटन कसा रेडी हो गया। ये गरम पूरी, गरम पराठा के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। और